शायद तीसरी या चौथी बार है लफ्ज़ में, तो मैं ऑलमोस्ट एक हिस्सा ही बन चुका हूँ लफ्ज़ परिवार का। सो इससे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था अशोक निकेतन में तो अधूरे इश्क के बारे में, और फिर यहाँ परफॉर्म किया तो मुकम्मल इश्क के बारे में। इस बार इश्क की बातें नहीं है, वैसे तो माहौल पोइटिक था लेकिन कुछ सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे एक कहानी सुनाने वाला हूँ मैं, रियल स्टोरी है। सो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम आयुष है एज इन स्टोरी में भी। बात है करीब फरवरी 2016 की, दिल्ली की सर्दी थी, काफ़ी अच्छी वाली ठंड, और यहाँ से गोरखपुर का सफ़र था। रात के करीब 9:25 हो रहे थे, गाजियाबाद स्टेशन पे ट्रेन रुकी, वैशाली एक्सप्रेस। ट्रेन में बैठे तो शादी का सीज़न था, काफ़ी भीड़ थी, माँ और दीदी साथ में थी, वो अपनी सीट पे सेटल हो गए। मेरी सीट थी साइड लोअर बर्थ। मैं सीट पे बैठा तो सामने एक छोटी सी लड़की थी। छोटी सी लड़की क्या, वो एक लड़की थी जो दिखने में छोटी थी, पिंक स्वेटर, ओवरसाइज स्वेटर, नॉट पिंक स्वेटर, पिंक ओवरसाइज स्वेटर, छोटी सी टोपी, बाल खुले हुए, हंसती थी तो उससे उसके चेहरे से ज़्यादा उसकी पलकें खिल जाती थी, ऐसे वो हंसती थी। बातचीत शुरू हुई, बातों बातों में उसने अपना नाम बताया। पहले तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, बाद में जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने बातों ही बातों में ये सब कुछ एक बार में बता दिया कि वो एक स्टूडेंट है फैशन डिज़ाइनिंग की, उसका फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है, उसको ब्लू कलर बहुत पसंद है, उसकी फैमिली में ये लोग हैं, उसने सब सारे राज खोल के रख दिए। रात के 2 थे। उसके बाद वो सोने चली गई, मैं भी सो गया। सुबह हुई, उसका स्टेशन आया, वो उतर गई, बस उसका नाम याद था। घर पहुंचा, घर पहुंच के उसको फेसबुक पे सर्च किया, जो कि हम लड़के हमेशा करते हैं, चांस नहीं छोड़ना चाहते हम किसी से। तो मैंने उसको फेसबुक पे सर्च किया, उसको मैसेज किया, हाय हे गॉर्जियस, और मैं शादी के कामों में लग गया। शादी भैया की थी तो शादी के कामों में लग गया मैं, जैसे लड़के हमेशा शादी में काम कर रहे होते हैं। तभी कुछ एक आध घंटे बाद मैसेज आया, हेलो मिस्टर, आई एम नॉट गॉर्जियस। 2 के लिए मैं रुका, मैंने फिर उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा नहीं तुम हो, तुमसे नजरें नहीं हट रही थी ट्रेन में। उसका स्माइल ही आ गया, उसके बाद बातचीत बंद हो गई। करीब 15 दिनों बाद नोएडा वापस आए, फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। पता चला कि घर से 5 के एरिया में ही एक कॉलेज है जहाँ वो पढ़ती है। मिलने पहुँचे उससे वक्त लेके, एक बार मिले, 2 मिले, फिर धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती प्यार में बदलने में शायद 1.5 से 2 लगे। वहीं उसके कॉलेज के पास एक कैफ़े था, द शेफ रेस्टोरेंट, सो हम लोग हमेशा वहीं शाम को 5 से 7 का समय बिताते थे। एक दिन शाम को मैं उसको कॉलेज वापस छोड़ने गया 6:45 के करीब। वो हमेशा जाते एक बार हक करके, यहाँ पे किस करते हो, निकल जाती थी, उसकी हाइट छोटी थी। वो उस दिन जाके रोने लगी हॉस्टल में, और मुझे एक कॉल आता है उसकी फ्रेंड का कि शी वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली और हमसे संभल नहीं रही है, ऐसा क्या हुआ है। मुझे भी नहीं पता था क्योंकि हम तो हंसते खेलते बातचीत करते हुए। उसने फ़ोन किया, फ़ोन पे जिक्र किया कि छुट्टियां पड़ रही हैं, सब जा रहे हैं घर, मैं घर नहीं जाना चाहती। मैंने पूछा घर क्यों नहीं जाना चाहती तुम, आखिर ऐसा क्या है घर में जो तुम घर जाना ही नहीं चाहती। कह रही नहीं मम्मी को मेंटल प्रॉब्लम है, तो मम्मी तो नानी के घर रहती हैं, पापा को मतलब नहीं रहता हमसे, और यहाँ मैं कज़न भाई हैं उनके साथ रहती हूँ, वो साइंटिस्ट है, और पता है कमाल की बात, उनके जो बड़े भाई हैं वो IAS हैं, वो DM है एक जगह के, और उनके छोटे भाई वो भी IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोग की फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने कहा तो फिर घर क्यों नहीं जाना। तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा भैया अच्छे नहीं है। मुझे 2 के लिए शॉक लगा कि बचपन में कुछ चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं, लेकिन इसका क्या मतलब भैया अच्छे नहीं है। मैंने कहा किस कैसे अच्छे नहीं है, मारते हैं, पीटते हैं, या क्या करते हैं, पैसे नहीं देते पढ़ाई के लिए। कहा नहीं, वो पढ़ाई के लिए ही लेके आए थे। क्या था, जब मैं छोटी थी ना, मैं 7 की थी, तो उनके छोटे भाई थे, वेद नाम था उनका, वेद मिश्रा। मैं रात में सो रही थी, वो अचानक से मेरी चद्दर में घुस गए, उनके हाथ मेरे कपड़े में जाने लगे। मैंने बहुत रोका, मैं बहुत समझाई सबको, मैंने जाके मम्मी को बताया, बड़ी मम्मी को। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे पे ब्लेम लगा रही हो, उन्होंने मुझे डांट दिया। मैंने ये बात बड़े भैया को बताई, जो भैया मुझे पढ़ाते हैं,
वो मुझे यहाँ लेके आए पढ़ाने, लेकिन उस वेद ने फिर मेरे साथ यहाँ पे भी वही चीज की, मेरे कपड़े उतार दिए एक दिन मैं अकेले घर में थी तो। उन भैया ने उसे डांटा, वो मान गए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नहीं करते थे। लेकिन मैं दोबारा जब घर गई तो जिन भैया ने डांटा उन्होंने ही वही चीज की। सर्दी थी, जनवरी, तुम्हारा बर्थडे था ना, उससे 3 दिन पहले मैं घर गई थी। मैं जब घर पहुंची तो रात में वो गेट खटखटाने लगे, मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा बस खोलो मुझे कुछ बात करनी है। मैं नहीं खोल रही थी, उन्होंने गेट खुलवाया, उन्होंने कहा मुझे तुम्हें देख के कुछ हो जाता है, मेरा मन करता है मैं तुम्हें जबरन हाथ लगाऊं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैंने उनको बहुत रोका, लेकिन वो जबरदस्ती करते गए मेरे साथ, इसलिए मैं घर जाना ही नहीं चाहती, चाहे होली हो दिवाली हो, मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। पहले वो छोटा भाई करता था, अब ये बड़ा भाई करता है, कल को उनका बड़ा भाई करेगा, और कल को हो सकता है मेरे पिता भी ऐसी हो। मुझे डर लगता है मेरे परिवार से। लोग कहते हैं कि दामिनी का रेप हुआ, सबका रेप हुआ, हम लोग के साथ घर में हो रहा है, हम किसी से बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बदल लूंगी। मैंने कहा तो मैं मदद करता हूं ना, हम चीजें बदलेंगे। मैं हमेशा से गटसी रहा हूं, मैं हमेशा से लड़ गया हूं किसी के लिए भी। मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं डीएम साहब से, आपके जो बड़े भाई हैं आईएएस, उनसे बात करते हैं। उनको जब हमने बात किया तो उन्होंने क्या कहा, ये उनका और उनकी पत्नी का रिप्लाई था कि आप हमें प्रूफ ला के दो, वी कैन नॉट बिलीव यू। एक लड़की जिसके साथ, जिसका बचपन छीन लिया, उसके 7 साल की उम्र से उसके साथ गलत हरकतें करके, उसकी बातों पे किसी ने बिलीव नहीं किया, बड़ी हुई तो उसके साथ फिर गलत किया जा रहा है, जब वो 16 साल की है, 16 से 18 की उम्र में है, उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे, जब वो 20 की हुई और वो कह रही है तो भी बिलीव नहीं कर रहे, तो कह रहे मुझे प्रूफ ला के दो। कौन सा प्रूफ ला के दे, वो दोबारा जाए उस घर में जहां वो उसके साथ दोबारा वो हरकतें करे, वो रिकॉर्डिंग करे, या तो वीडियो प्रूफ ला के दो या कुछ ला के दो जिसमें माने। चैट्स हम नहीं मानेंगे, वो आदमी भद्दे मैसेजेस करता था, तुम हाथ नहीं लगाने देती हो आजकल, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना है, तुम्हें हाथ रखता हो तुम्हें क्या हो जाता है, ये मैसेजेस एक बड़ा भाई, एक कजन, एक रिश्ते को शर्मसार कर रहे थे वो लोग। जहां बाहर ये लोग कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का ये, महिलाओं का वो, तालियां बज रही थी अभी वो महिलाओं की बातों पे, इन्हीं तालियों के बीच में हम में ही कुछ लोग बैठे जिन्होंने उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। शायद वो लोग खुद से आंखें कैसे मिला पाते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हां उन्होंने उसका बचपन बर्बाद कर दिया। उस लड़की ने फिर भी घर जाना छोड़ दिया, वो घर गई दोबारा होली पे। मैं छोटा भाई भी उसका रहता था, मैंने कहा कि वो उसको घर में रखना, उसको अकेले मत रहना, नहीं तो दोबारा होगा ये सब। उसने यही किया, छोटा भाई रात में कहीं और, छोटे भाई को उन्होंने कहा कि तू जा पढ़ने कहीं और, उसने कहा कि अभी चीजें नहीं होती है, शायद नहीं होगी दोबारा। मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं उसको फोन मिला रहा, उसका फोन स्विच ऑफ। अगले दिन वो हॉस्टल आई, उसके पास फोन नहीं था, मैं घर गया तो पता चला कि उसका फोन उन्होंने ले लिया है, क्योंकि उसके साथ ये सारी बातें उसने मुझसे शेयर की है, उसने ये बात मुझे बताई है, इसलिए उसका फोन ले लिया गया और उसको एक तरह से कैद किया जा रहा है कि अब वो किसी से मिले भी ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हमने प्लान किया, हमने कॉल किया उन्हें, उसको अंजलि ने कन्फ्रंट किया, शी इज अंजलि, आई फॉरगॉट टू टेल हर नेम, कन्फ्रंट किया, उन्होंने बातों ही बातों में कॉल पे ये बात मान ली कि उन्होंने उसके साथ गलत चीजें की हैं, लेकिन वो बातों में भी मानने के बाद भी उसको ही कसूरवार ठहरा रहे थे। वो कॉल रिकॉर्डिंग घर में लोगों ने सुनी, तो उन्होंने उसे सपोर्ट करना शुरू किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रूफ दिया। उसको कुछ दिन सपोर्ट किया जब तक वो पढ़ाई करती रही। घर गई तो घर में आज भी लोग उस अब्यूजर की साइड लेते हैं, घर में आज भी लोग उस लड़की को गलत ठहराते हैं। वो लड़की आज उन लोग के भरोसे नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, आज वो एक अच्छे मुकाम पे है, आज वो एक अच्छी जगह जॉब कर रही है, एक अच्छी जिंदगी के साथ है, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ साल कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिए। उसके मन पे जो उसका प्रभाव पड़ा है वो शायद हम बदल भी नहीं सकते हैं। आज भी वो कुछ रातों को उठ के रोने लगती है, उसको लगता है कि उसको कोई छू रहा है। मैं आज भी उसका बॉयफ्रेंड हूं, लेकिन मैं आज भी उसको हाथ से टच नहीं करता हूं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उसके करीब लोग आने से डरते हैं।
उसकी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, लेकिन आज वो एक सही मुकाम पे है। शायद मैंने कुछ नहीं किया, शायद मैंने सिर्फ इतना ही किया कि उसके अंधेरे में उसको एक रास्ता दिखाया जहां से वो उस अंधेरे से निकल के उजाले में आ गई। आज वो उस उजाले में है, आज चार लोग उसके साथ खड़े हैं, आज लोग उसे सपोर्ट करते हैं, आज शायद मेरी जगह भी उसकी ज़िंदगी में ना हो कहीं, लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि मैंने किसी को उस अंधेरे से निकाल के उस उजाले में लेके आया हूँ जहाँ वो खुद के पैरों पे खड़ी है। और इसके लिए आई फील प्राउड एंड आई फील डिस्गस्टिंग एज अ मैन दैट वी आर बिल्डिंग अ सोसाइटी वेयर वी टॉक अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, वुमन के लिए ये करेंगे वो करेंगे एंड वी अब्यूज देम इन देयर ओन होम। There are several cases of sexual abuse in homes where their own uncle, their own brothers, their own cousins, their maternal uncles, their neighbors, they are sexually abusing them and neither their parents and neither their family, no one is supporting them. So please come, if you know someone like that, please come in support of them and please try to help them out, how much you can help them. Thank you.